राजा जानता है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके कसम खाने वाले ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी मंत्रीगण और कार्यकर्ता इस बात का जवाब देंगे। हम न केवल केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताने जाएंगे बल्कि इस बात का भी जिक्र करेंगे इस सरकार ने 18 महीने में छत्तीसगढ़ के क्या हालात किए। सारे विकास के काम ठप हो गए, सारे विकास का 18 महीने से एक ईंट नहीं रखा गया। 18 महीने का कार्यकाल आज लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। जिस कांग्रेस की सरकार ने हमारी माता और बहनों के सामने खड़े होकर गंगा जल हाथ मिले की कसम खाया था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो नहीं किया, गली गली में शराब बिक रहा है, घर पहुंच शराब की व्यवस्था यदि किसी राज्य में है तो अकेले छत्तीसगढ़ में है जहां घर पे शराब पहुंचाई जा रही है अवैध रूप से, शराब के भट्टे में सरकारी शराब दुकान में 30% अवैध शराब बिक रहा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नवयुवकों के साथ छल किया, जन घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने, जन घोषणा पत्र में झूठ बोला और जन घोषणा पत्र में कहा कि नवयुवकों को 5 लाख नवयुवकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज नवयुवक इंतजार कर रहा है बेरोजगारी भत्ता के लिए, 5 लाख नहीं 5 नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, नौकरी के सारे अवसर समाप्त कर दिए। पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आने वाला था, निरस्त कर दिया गया। 60,000 लोगों ने पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनका फिजिकल हो गया था, रिटर्न हो गया था, उसके बाद उसको निरस्त किया गया। 4,890 शिक्षकों की भर्ती जो बीएड एमफिल एमए किए हुए बच्चे थे उनका भी रिजल्ट आने वाला था, उस भर्ती को निरस्त किया गया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में जितनी भर्ती निकली थी उन सबको निरस्त करने का काम इस सरकार ने किया है। रोजगार कितना दिया है? मेरा छत्तीसगढ़ का नवयुवक पूछता है कितने लोगों को रोजगार दिया उमेश बघेल जी, उनका जवाब आता है 1800 लोगों को रोजगार दिए। 1800 लोगों को रोजगार कैसे दिए है? शराब भट्टी में घर पहुंच शराब पहुंचाने का काम 1800 लोगों को दिए हैं, ये शर्म की बात है। राष्ट्रीय स्तर में जब इसकी चर्चा होगी कि नवयुवकों को इस काम में लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, ये हालात छत्तीसगढ़ में क्यों बने? रेत के माफिया गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य को धमतरी को इतना मारा गया कि आज तक हॉस्पिटल में है। उत्तर प्रदेश बिहार से दूसरे राज्यों से गुंडा के हाथ पर रेत का केंद्र में लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार बना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। और उस दौर में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मूल मंत्र को लेकर अंत्योदय की कल्पना को साकार करते हुए उस उन कामों को जिसकी कल्पना कोई नहीं करता था, जो दशियों और सदियों से जिसका इंतजार कर रहा था ये देश, बड़ी आशा और बड़ी आकांक्षाओं के साथ बड़े सपने लेकर, और एक साल का ये कार्यकाल उन बड़े सपनों को मूर्त रूप देने का है, सपने का साकार करने का था, क्रियान्वयन का था, एक नया इतिहास लिखा गया जो आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा। ऐसे बड़े काम अनुच्छेद 370 35 ए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करना, और इसके साथ ही साथ इस कोरोना के युद्ध में 20 लाख करोड़ का पैकेज, 1,70,000 करोड़ का गरीब पैकेज, इन विषयों को मैं नहीं लूंगा, इस विषयों पर बात करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी क्या क्या बड़े कदम उठाए गए। मगर मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय आज देश दुनिया का एक सशक्त देश के रूप में उभरा है, और मैं आज इस अवसर पे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनका ये यशस्वी कार्यकाल जो एक साल का हिसाब देने के लिए गाँव गाँव जा रहे हैं, 25 लाख घरों तक हम जाएंगे, मेरा एक एक कार्यकर्ता गांव गांव के बूथ बूथ तक जाएगा और वहां जाकर माननीय मोदी जी के उन उपलब्धियों को गिनाएगा। उपलब्धियां माननीय इस एक साल की और 6 साल की माननीय शिवराज जी बताएंगे। मैं तो बताना चाहूंगा इस 18 महीने की सरकार